तो रेसलमेनिया बैकलैश का जो पेपर व्यू है वो खत्म हो चुका है और रोमन रेंज ने अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सक्सेसफुली इस शो पर डिफेंड भी कर लिया। लेकिन भाई जैसे ही शो खत्म होता है रोमन रेंज, पॉल हेमन और जे उसो बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं, वहां पर भी कुछ बड़ी चीजें होती हैं। और भाई क्या हुआ रोमन रेंज की विक्ट्री के बाद बैक स्टेज के ऊपर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि पॉल हेमन ने भी कुछ बड़ी बातें कह दी हैं। साथ ही में हम लोग बॉबी लैशली एंड एमवीपी के बारे में भी करेंगे बात, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया एक बड़ी विक्ट्री के बाद। और एमवीपी ने कल के रॉ के एपिसोड के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, इस साल क्या होने वाली है हेल इन अ सेल 2021 की डेट और क्यों ये पेपर व्यू WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है। सेथ रॉलिंस ने भी अपना रिएक्शन दिया जब उन्होंने हमला किया सिजारो के ऊपर और उन्होंने भी आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए अनाउंसमेंट कर दी एक बहुत ज्यादा बड़ी। टाइसन फ्यूरी भी रिसेंटली स्पॉट किए गए थे आज रेसलमेनिया बैकलैश के शो के ऊपर विंस मैकमैन के साथ। और फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेंज के बारे में ही, और WWE ने रोमन रेंज को अनाउंस कर दिया एज अ डबल चैंपियन आफ्टर रेसलमेनिया बैकलैश। तो ये वो कुछ अपडेट्स है जो कि आपको रेसलमेनिया बैकलैश की बात तो डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे ऑल माइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली एंड MVP के रिएक्शन के बारे में और इन्होंने कल के रॉ के एपिसोड के लिए कौन सी बड़ी सरप्राइज चीज अनाउंस कर दी है। होता क्या बैक स्टेज के ऊपर WWE जो हमें इंटरव्यू लेती हुई नजर आती है लैशली और MVP का, उसके जो पूरे इंटरव्यू के कुछ फोटोज वगैरह आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने। MVP यहाँ पर कहते कि ये जो चैंपियन है इस बंदे ने अपने आप को टाइम टू टाइम प्रूव किया है और अभी तक ये स्टिल WWE के अंदर चैंपियन है। बॉबी लैशली भी कहते हैं कि मैंने बहुत टाइम बिताया यहाँ पर कंपनी के अंदर और फाइनली जो मैं चीज चाहता था वो मुझे मिल रही है, मेरे जैसा मेहनती इंसान आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कभी मिलने नहीं वाला। MVP भी कहते कि आप अगर इसे इंस्टा के ऊपर फॉलो करते हो आप देखते हो वहाँ पर ही अपनी वर्कआउट की काफ़ी सारी फोटोज करता है, पोस्ट वीडियोज पोस्ट करता है। जो रोल मॉडल्स होते हैं जो मॉडल्स वगैरह होते हैं एक्टर्स वगैरह वो थक जाते होंगे, लेकिन बॉबी लैशली एक ऐसा बंदा है जो कि कभी थकता नहीं हो, बार बार अपने आप को और ज़्यादा तगड़ा बनाता। और ये सिर्फ एक छोटा सा टाइटल डिफेंस था जहाँ पर ऑल माइटी WWE चैंपियन ने टाइटल रिटेन की, लेकिन अब बॉबी लैशली समय आ गए कि तुम अपनी इस टाइटल रेन की कुछ अच्छा पार्ट भी इन्जॉय करो और मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करके रखी हैं, तुम्हारे लिए एक ट्रिप है, क्यों ना हम कल के रॉ के एपिसोड के अंदर कुछ बड़े सरप्राइजेज रिवील करें, तुम टेंशन ना लो, तुम आराम से अपना टाइम स्पेंड करो जाके, आराम करो जाके, और कल के रॉ के एपिसोड के अंदर मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे सरप्राइजेज देने वाला हूँ। तो ये कुछ वो बातें जो कि MVP हमें रेसलमेनिया बैकलैश के बाद कहते हुए नजर आते हैं। मज़ा आएगा देखने में कि कल क्या प्लान करते हैं एक्चुअल में MVP द डोमिनेटर चैंपियन बॉबी लैशली के लिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और इस बारे जुड़ी है WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू हेल इन अ सेल 2021 के बारे में। आई थिंक जब रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर हेल इन अ सेल 2021 की अनाउंसमेंट हुई सभी लोग सरप्राइज इसलिए हो गए क्योंकि नेक्स्ट पेपर व्यू या फिर मनी इन द बैंक होता या फिर ये पेपर व्यू होने वाला था एक्सट्रीम रूल्स 2021। लेकिन भाई WWE ने अचानक से अपना जो पूरा आप कह सकते हो ट्रेडिशन चला आ रहा हेल इन अ सेल का, आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे जो कि विकिपीडिया की तरफ से सामने आया है और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हेल इन अ सेल के पेपर व्यू हैं वो अक्टूबर या फिर सेप्टेम्बर में होते हैं। सिर्फ 2018 का जो शो है वो हमें दिखाई दिए थे सेप्टेम्बर के अंदर, इससे पहले जितने भी आप लोग देख पा रहे होगे सबके सब 2009 से लेके अगर मैं बात करूँ 2020 तक सभी के सभी शोज अक्टूबर के अंदर हुए हैं। लेकिन WWE ने काफ़ी बड़ी उथल पुथल कर दी क्योंकि जो आने वाला WWE का पेपर व्यू है वो जून के अंदर हेल इन अ सेल 2021 होने वाला है। सिर्फ यही नहीं WWE ने इसकी जो डेट है वो भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी है और ये जो पेपर व्यू है वो हमें 21 जून को इंडिया के अंदर दिखाई देने वाला, यानी कि 21 जून को आप लोग इंडिया के अंदर हेल इन अ सेल का जो शो है वो देख पाओगे। मैं भी थोड़ा सरप्राइज जरूर था लेकिन भाई रिपोर्ट्स आई हैं कुछ सामने और रिपोर्ट्स का मानना ये है कि ये जो चेंजेस है विंस मैकमैन ने किए और विंस मैकमैन WWE के जो कैलेंडर होता है हर साल का पेपर व्यूज वाला उसके अंदर कुछ बड़ी उथल पुथल करना चाहते थे और इसी के कारण अभी फिलहाल जो WWE है उन्होंने हेल इन अ सेल को पहले प्रमोट कर दिया। बाकी देखो भाई क्या कुछ होता है हेल इन अ सेल के अंदर जो कि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है। मेरे हिसाब से रोमन को लेकर WWE टाइटल पिक्चर को लेकर कुछ बड़े प्लान्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है जिन्होंने एक शॉकिंग और सरप्राइज वे में आए थे रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। आई थिंक हम लोग सोच रहे थे कि सेथ रॉलिंस पार्ट होंगे यूनिवर्सल टाइटल मैच का, लेकिन टाइटल मैच खत्म होने के बाद वो पार्ट होंगे आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने गेस किया होगा। और होता क्या सेथ आते हैं और वो सिजारो के ऊपर हमें हमला करते हुए नजर आते हैं, एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है शायद वो रोमन को मारने आए हैं, वो रोमन को कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका सिजारो पर ब्रूटल अटैक चालू हो जाता है। और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें एक वीडियो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे और जो उन्होंने वीडियो क्लिप पोस्ट की थी उसकी कुछ मैंने फोटोज और स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं। वो लिखते हैं हा हा क्या इनक्रेडिबल इवेंट था ये,
रेसलमेनिया बैकलैश सही में बहुत इनक्रेडिबल था। शुरुआत से लेकर आखिरी तक सभी ने कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दी, खास करके जो शो की एंडिंग थी वो तो बहुत ज्यादा कमाल की थी। और मैं उन सभी को थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस चीज पर पूरा सपोर्ट दिखाया, मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया। और हाँ, काफी लोग ट्वीट करके बार बार पूछ रहे थे कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं, तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एकदम ओके हूँ, मैं एकदम फाइन हूँ। बल्कि आप लोगों को क्या करना है, आपको इसी सपोर्ट को आने वाले टाइम में कायम रखना है। मैं भी तुम सबसे काफी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ आने वाले फ्राइडे के अंदर, जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाली, एक बहुत बड़ी नाइट, और वो बहुत बड़ी नाइट होने वाली है थंडर डोम के अंदर। तो ये कुछ बातें जो कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर कहते हैं कि भाई आने वाले स्मैकडाउन के अंदर वो कुछ बड़ी बातें हमें अनाउंस करते हुए नजर आएंगी, तो मजा काफी आने वाला है। सभी सोच रहे हैं अब नेक्स्ट अपोनेंट होंगे सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के, तो देखते हैं कौन सा अगला ट्विस्ट आता है, सिजारो शो पर होते हैं या फिर नहीं, सारी चीजें देखने वाली होंगी अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है टाइसन फ्यूरी के बारे में, और रिसेंटली टाइसन फ्यूरी भी स्पॉट किए गए थे WWE के बैक स्टेज के ऊपर, और उसे स्पॉट नहीं किए गए थे बल्कि वो दिखे थे विंस मैकमैन के साथ भी। आपको तो याद ही होगा कि रे मिस्टीरियो का काफी अच्छा कनेक्शन है भाई यहाँ पर केन विलासस के साथ भी, और साथ ही में टाइसन फ्यूरी के साथ भी। और टाइसन फ्यूरी एक तरह का सपोर्ट करने आते हैं अपने बेटे को लेकर बैक स्टेज के ऊपर रे मिस्टीरियो और डोमिनिक को, जिन्होंने आज एक बहुत ही अच्छे मैच के अंदर स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन बनते हुए नजर आए। तो जो WWE है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें इसकी कुछ फोटोज पोस्ट करते हुए नजर आती है, वो फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे। एक फोटो के अंदर हमें टाइसन फ्यूरी दिखाई दे रहे, रे मिस्टीरियो और टाइसन फ्यूरी के बेटे दिखाई दे रहे हैं जो कि बचपन के डोमिनिक मुझे लग रहे हैं। और दूसरी फोटो भी आप लोग देख पा रहे होंगे जहां पर WWE के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन हमें एक फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं टाइसन फ्यूरी के बेटे के साथ। वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि आजकल विंस मैकमैन हमें टीवी के ऊपर दिखाई दें, क्योंकि उनका मानना यह कि उनको बुढ़ापा आ चुका है और इस टाइम पे बार बार टेलीविजन के ऊपर आना ऑडियंस को बोर करेगा, इसलिए विंस मैकमैन काफी कम दिखाई देते हैं। लेकिन भाई काफी बड़ी बात है जब टाइसन फ्यूरी बैक स्टेज के ऊपर पाए गए, और मे बी ऐसा हो सकता है WWE आने वाले टाइम में हमें उनके रिटर्न भी प्लान करती हुई नजर आए। आज की जो हमारी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट्स हैं वो दोनों अपडेट्स इस बार हमारे ट्राइबल चीफ से जुड़ी हैं, और यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के अंदर अपनी टाइटल रिटेन करने के बाद क्या होता है बैक स्टेज के ऊपर, जब रोमन रेंस, पॉल हेमन और जे उसो जाते होते हैं तो उसकी वीडियो जो है WWE खुद पोस्ट करती है, उसके स्क्रीनशॉट और फोटोज कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रोमन रेंस, पॉल हेमन और जे उसो एक लाइन के अंदर आते हैं यहाँ पर भाई इंटरव्यू वाली जो यू नो वुमेन है वो हमें भागते हुए इंटरव्यू लेती हुई नजर आती है। वो रोमन से कहती है क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ, आपके ये जो पूरा यूनिवर्सल टाइटल मैच खत्म हुआ है। रोमन कहते हैं मैं शर्त लगाता हूँ काश बेचारी तुम कर पाती मेरा इंटरव्यू। लेकिन रोमन वहां से हमें जाते हुए नजर आते हैं, फिर पॉल हेमन वहां खड़े होते हैं, वो कहते हैं पॉल, मिस्टर पॉल हेमन, आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके मन में ख्याल आया था कि शायद सिजारो कहीं ना जीत जाए, क्या आपके हिसाब से रोमन के टाइटल रिटेन करने से पहले आपके मन में इस मैच की कोई और एंडिंग आई थी। पॉल हेमन इधर उधर देखते हैं और वो कहते हैं कि इसको भाई किसने हायर कर लिया WWE कंपनी के अंदर, ऐसा तो नहीं तुम मुझसे फ्लर्ट करना चाहती हो, और फ्लर्ट करने के साथ तुम मुझसे बातें करोगी और आने वाले टाइम में हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम एकदम नाकामयाब हो जाओगे। और वहीं बात रही यूनिवर्सल चैंपियन की, तो जो यूनिवर्सल चैंपियन है रोमन रेंस वो सक्सेसफुली अपनी टाइटल को डिफेंड करेगा, ये मेरा यू नो पूरा वादा टाइप था, क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड है और काफ़ी सारी और वो ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल ये सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। वो कहते हैं सिजारो जरूर एक क्वालिफाइड अपोनेंट था, वो एक काफ़ी अच्छा अपोनेंट था, लेकिन वो एक चैंपियन नहीं था, और ये चीज़ें जो हैं चैंपियन वाले वो सिर्फ रोमन के साथ बिलोंग करती हैं, इसलिए कोई चांस ही नहीं था कि रोमन वहाँ पर जीत पाए। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा इस पूरे इंटरव्यू के अंदर सैवेज लाइन कि क्या तुम उसे फ्लर्ट करना चाहती हो, बाकी ये कुछ बातें जो कि होती हैं बैक स्टेज के ऊपर जब रोमन अपना इंटरव्यू देने से मना करते हैं और पॉल हेमन को सैवेज रिप्लाई देते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बढ़ूँ नेक्स्ट अपडेट की तरफ, नेक्स्ट अपडेट तो रोमन के बारे में जुड़ी है, लेकिन रेसलमेनिया बैकलैश के बाद रोमन सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन नहीं रहे बल्कि WWE के अकॉर्डिंग अब वो WWE चैंपियन भी बन चुके हैं, और WWE के अंदर बॉबी लैशली के साथ साथ रोमन भी आपके WWE चैंपियन है। अब मैं सिर्फ ऐसे हवा के अंदर यू नो बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे पास इसका प्रूफ भी है। जो WWE की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर रेसलमेनिया बैकलैश का पूरा PPV आता है, वहां पर WWE सारे हमें यू नो रिजल्ट्स वगैरह पोस्ट करते हुए नजर आती है। जो लोग वेबसाइट को विजिट करते होंगे उनको पता होगा, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा है बैकलैश क्विक हिंट्स, सारे यहां पर रिजल्ट्स लिखे हैं। और सेकंड लास्ट अगर आप रिजल्ट की तरफ नजर डालोगे तो WWE चैंपियन बॉबी लैशली ने ब्रॉन स्ट्रोमन ड्रू मैकइंटायर को ट्रिपल थ्रेट मैच में हराया, और WWE चैंपियन रोमन रेंस ने सिजारो को हराया एक WWE टाइटल मैच के अंदर। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बाकी जगह भी WWE रोमन रेंस को एज ए WWE चैंपियन कर रही है, एडवर्टाइज आप कह सकते हो। दूसरी भी जो स्क्रीनशॉट है आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे भी लिखा है WWE चैंपियन रोमन रेंस डिफीटेड सिजारो, सामने भी यही लिखा है कि WWE चैंपियन रोमन रेंस ने अपने सिजारो
सेसारो जो कि उनके रेसल मीना के चैलेंजर थे उससे हमें ओवरकम करते हुए नजर आए। तो ऐसा लगता है थोड़े WWE के जो राइटर्स हैं वो नशे टाइप में हो गए हैं, उनको ये लग रहा है कि WWE के अंदर यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बल्कि दो WWE टाइटल्स हैं। बाकी रोमन तो खुश होंगे लेकिन बॉबी लैशली का शायद इस चीज़ को देखने के बाद जो उनका रिएक्शन है वो देखने लायक रहेगा कि इतनी मुश्किल से मैं चैंपियन बना और वो टाइटल भी तुमने दो बंदों में बांट दी। इसको लेकर आपका क्या सोचना है जब WWE ने रोमन को WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन दोनों बना दिए, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। भाई ये वो कुछ बातें थी जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए थी रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू के बाद। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई नीचे कर दो वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को। हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और मे भी चैनल पर इसके बाद दो और वीडियोज आने वाली हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। और भाई बस ये वाली वीडियो यहीं तक थी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूं मैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।